हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप यूट्यूब पीएसएड के माध्यम से न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पीडीएफ बनाना होता है तो पीडीएफ हमें बन नहीं पाता, उसमें फ़ोटो लगाना होता है, सिग्नेचर करना होता है, डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है एक ही पीडीएफ के अंदर, और हमारे पास ना स्कैनर होता है ना ही कोई प्रिंटर होता है, तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है जिसकी वजह से हम उसका पीडीएफ रेडी कर पाए। तो ऐसे में आप मोबाइल से, अगर आपके पास ओनली लैपटॉप और प्रिंटर स्कैनर नहीं है, तो ऐसे में आप उस पेन फॉर्म की पीडीएफ को किस प्रकार रेडी कर सकते हैं, किस प्रकार उसमें फ़ोटो चिपका देंगे, किस प्रकार उसमें सिग्नेचर लगाएंगे, किस प्रकार डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे, सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, यदि आप न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आना होगा फॉर्म 49 सर्विस पर, और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रीजनरेट पैन एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कूपन नंबर को पेस्ट कर देना है, जिस कूपन नंबर का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले, उस कूपन नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाता है, फॉर्म को आपको प्रिंट बटन पे या क्लिक करेंगे, वहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करते हैं और आपको A4 साइज में और यहाँ पर 100 एक्सेल में आपको उसको सेव करना होता है पीडीएफ को। ठीक है, इसी प्रकार आपको सेसअप का भी जो पीडीएफ है तो उसको भी इसी प्रकार आपको सेव कर लेना होगा अपना सिस्टम के अंदर। सिस्टम में सेव कर देने के बाद पीडीएफ को आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको ये टूल मिलेगा, यहां पर देखेंगे फोटो एंड साइन ऐड न्यू फॉर्म। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, क्लिक टू ऐड पिक एंड साइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इधर से आप करेक्शन वाला भी अपलोड कर सकते हैं और न्यू वाला भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों ही अपलोड हो जाता है यहाँ पर, फोटो सिग्नेचर और फॉर्म चिपक जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, तो इसमें आपको एक अपलोड फ़ोटो, यानी आपको अब फोटो को अपलोड करना होता है, जो पेन फॉर्म पे आपको चिपकाना है ना वो फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दीजिए, जो सिग्नेचर वहाँ पर करना होता है फॉर्म पर, वही सिग्नेचर को इधर आपको अपलोड कर देना होगा, फिर सिग्नेचर को यहाँ से पकड़ के यहाँ पर चूज कर लेना है इस प्रकार, और फोटो को भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने फोटो को भी चूज कर लिया है और सिग्नेचर को भी डाल दिया है और अप्लाई डेट, यानी जो आपको पैन फॉर्म आए उस पैन फॉर्म पे हमें डेट लिखनी होती है ना, किस तारीख को अप्लाई करें, किस तारीख को डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड न्यू पैन फॉर्म या अपलोड CSF पैन फॉर्म, तो यहाँ से आपको फॉर्म को अपलोड कर देना होगा। ठीक है, पेपर साइज, यानी जब स्कैन करेंगे ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होता है वो सिस्टम। जैसे यहाँ पर आते हैं, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार, और क्या है यहाँ पर प्रिंटर आता है तो इसमें सेव एज पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, मोर सेटिंग में जाना होता है, और ये देखो पेपर साइज, पेपर साइज ये वाला बोल रहे हैं, पेपर साइज ये वाला जो पेपर साइज है ना, ये A4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिखाया होगा यहाँ पर पेपर साइज A4, ये A4 होना चाहिए। यहाँ पर स्केल, स्केल में 100 होना चाहिए कस्टम में, तो यहाँ पर स्केल है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं स्केल कस्टम 100, पेपर साइज A4 ये वाला साइज होना चाहिए। इसके अंदर ही आपको इस पीडीएफ को क्या करना होगा, सेव कर लेना अपने सिस्टम में, सेव एज पीडीएफ में सोच करके। ठीक है, इस प्रकार सेव कर लेना पीडीएफ को, उसी को अपलोड करना है। अगर किसी अदर साइज में अपलोड करेंगे तो फोटो सिग्नेचर गलत गलत जगह वहाँ पर अटैच हो जाएंगे, लग जाएंगे, तो कोई काम का नहीं होगा वो ऐसे में वो फॉर्म। तो इसी साइज के अंदर आपको पीडीएफ को सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है पीडीएफ को, और डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिक लगा हुआ मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो भी आ रहा है, इसके नीचे जस्ट सिग्नेचर आ रहा है, यहाँ पर फोटो आ रहा है और इधर क्रॉस सिग्नेचर आ रहा है। ठीक है, अब पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर आ रहा है और इसमें डेट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये मिल चुका है, डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ, या प्रिंट ऐसे उस पर जाकर भी सेव कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बैक आ जाते हैं, अगर आपका करेक्शन का है तो करेक्शन वाला भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फॉरम करेक्शन वाले में सेम सिस्टम है, उसमें भी आपको इसी साइज के अंदर फॉरम को सेव करना होता है और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को डालना होता है और डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होता है। अब पैन फॉर्म के साथ हमें डॉक्यूमेंट भी देना होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, तो उनको कैसे करना है, तो उसके लिए बैक आ जाना है और ऊपर आना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मल्टीपल पीडीएफ मर्ज का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है और इधर इस पीडीएफ को चूज़ कर लेना है, और इस पीडीएफ को चूज़ मत कीजिए, पहले इसके ऊपर क्लिक कीजिए,
इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको एक साथ दो तीन पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि कंट्रोल बटन दबा देना है, ठीक है, उसके साथ जो जो पीडीएफ सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना एक साथ। जैसे कि हमने दो पीडीएफ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, एक साथ आप कितनी भी पीडीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ओपन कर लेना है और मर्ज बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो भी आपने पीडीएफ सेलेक्ट की होगी वो ओपन हो जाएंगी, देख सकते हैं यहाँ पर। अब जिसको आगे पीछे करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वाला हमें आगे दिखाना है तो इसको आगे की तरफ ले जाइए, और ये पीछे दिखाना है तो इसको पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो हम इसको आगे पीछे भी करके दिखा देते हैं, इस प्रकार ये आगे पीछे हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे आ गए, पीछे आ गए, ठीक है। इस प्रकार अगर इसको पीछे लाना है तो इसको पकड़ के इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पीडीएफ मर्ज बटन पर क्लिक कर देना है, और ये पीडीएफ मर्ज कर देता है, प्रिंट बटन पर क्लिक कर लेना है, और देख सकते हैं कि इसने पीडीएफ को मर्ज कर दिया इस प्रकार, ठीक है, और सेव कर लेना। ये लो, आपका काम हो चुका है। पीडीएफ का प्रॉब्लम कुछ आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी फॉर्म देखे, जैसे न्यू फॉर्म, फोटो विथ सिग्नेचर, जो ऑफलाइन फॉर्म आते हैं जिसको हमें पेन से भरना होता है, उन फॉर्म का भी आप ऑनलाइन यहाँ से भर के उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फोटो सिग्नेचर के साथ, ठीक है। फिर आपको अलग से भरा हुआ फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने का जरूरत नहीं होता उसमें, ठीक है। अब फोटो सिग्नेचर बताया, फोटो सिग्नेचर को हमें रिसर्च करना होता है, काफ़ी बार साइज सेट नहीं होती है प्रॉपरली, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्रॉपिंग टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंस्टॉल का भी हो जाता है फोटो सिग्नेचर रिसाइज, और साथ यूटीआई का भी हो जाता है। यहाँ पर साइज दी गई है प्रॉपर, तो यहाँ से आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल दिए गए, यहाँ पर आप फोटो को अपलोड कर देना होता है। देखो यहाँ पर फोटो को चूज कीजिए, साइज 213 213 300 डी पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डला हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है, नीचे से डाउनलोड करना है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, नीचे से डाउनलोड करना है, रिसाइज हो जाएगा, उसको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार आप फोटो सिग्नेचर और पीडीएफ का प्रॉब्लम है इस प्रकार फिक्स कर सकते हैं। फिर आप आसानी से यूटीआई पीएसआईडी के माध्यम से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, और कोई भी एरर फेरर नहीं आएगा, और आपका आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।